छुपाने से, आंकड़ों को दबाने से, पत्थर की दीवारें चुनवा के आप गरीबी को नहीं छुपा सकते। गरीबी को अगर आपको हटाना है तो आपकी नियत होनी पड़ेगी, आपको उनके उन्मूलन के लिए क्या क्या कार्यक्रम बनाने हैं उस पर काम करना पड़ेगा। दीवारों से अगर काम होता तो सारे, और ये गुजरात मॉडल की बात करने वाले वही दीवारें लगा रहे हैं। 15 साल जिस सूबे के आप मुख्यमंत्री रहे, वो 6 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, उसी की राजधानी में दीवार लगा रहे। लोग मजाक कर रहे हैं कि भैया वो तो हवाई जहाज से आएंगे, तरपाल भी लगाओ, हवाई जहाज की खिड़की में से देख लिया तो सब आपकी जो मॉडल है वो सामने बाहर आ जाएगा। छुपाने से इन चीजों का निदान नहीं होता। हमने बार बार इस पटल से बोला है, बार बार बोला है कि अगर किसी बीमारी का इलाज करना है तो सबसे पहले उस बीमारी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, आप सोचते छुपाने से बीमारी का इलाज हो जाता है। किसी व्यक्ति को कोई बीमारी, लाइलाज बीमारी हो जाए, बड़ी बीमारी हो जाए, वो सोचे नहीं 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 हुई, मैं इलाज ही नहीं करवाऊंगा, क्या ये संभव है? ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस नहीं है हम चाहते हैं। और ये विषय राजनीति से बहुत ऊपर है, ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये लोगों की गरीबी का विषय है, ये कंजम्पशन का विषय है। 40 साल में पहली बार खपत घटी है देश की, और खपत घटने का मतलब गरीबी बढ़ी है देश में, सीधा सा मतलब है। इसके लिए एमए इन एंटायर इकोनॉमिक्स करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा सा विषय है, ये बहुत सरल विषय है। जब आपकी खपत घटेगी तो आपका गरीबी बढ़ेगी। महंगाई, आप ही के आंकड़े कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, जीडीपी घट रही है, महंगाई बढ़ रही है, उत्पादन घट रहा है निरंतर रूप से। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 23 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डाटा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, 23 में से 16 सेक्टर्स में भयंकर डिप है, और आप छुपाना चाहते हो। आपको हम, मैं इस पटल से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, भारत के लोगों की ओर से सरकार को ये कहना चाहता हूं कि इन आंकड़ों को ना छुपाएं, आंकड़े लेके आए, सदन में भी डिस्कस करें, सड़क पे भी डिस्कस करें। और मुझे ऐसा विश्वास है कि छुपाने से बेहतर ये होगा कि आंकड़े अगर बाहर आएंगे कि तो भारत के युवाओं में, भारत के लोगों में, भारत की महिलाओं में उतनी शक्ति है कि आज भी हम इन चीजों की सामना कर सकते हैं। पर पहले आपको एक्सेप्ट तो करिए, आप बिना एक्सेप्ट करे कैसे इस चीज का निदान होगा? इस विषय पे मुझे ब्रीफिंग करनी थी। आप चाहें तो मैं अंग्रेजी में भी अपनी बात को सारगर्भित तरीके से आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। भाई साहब,